हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पारुल एंड वेलकम टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन कौन से सोर्सेज से हेल्प लेती थी अपनी स्टडीज के लिए, कहाँ कहाँ से मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की है, कहाँ से मैं मैथ्स पढ़ती हूँ, कहाँ से मैं जीए के लिए हेल्प लेती हूँ। तो ये मेरी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था जिसमें आप लोग पूछना चाहते थे कि मैं कहाँ से हेल्प ले रही हूँ, मॉक टेस्ट कहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ सो दैट अभी अपकमिंग एग्जाम्स में ये चीज़ें आपको हेल्प कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का एक्चुअली प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। सो मेंस तक आने के लिए मुझे तो स्पेसिफिकली जो ज़्यादा एफर्ट था वो सिर्फ प्रैक्टिस में ही लगा। मैं इसके लिए बहुत सारे क्विज सॉल्व करती हूँ। क्विज तो एक्चुअली मैं हर एक सब्जेक्ट के सॉल्व करती हूँ, तो उसके लिए मैं ऐप यूज़ करती हूँ, अड्डा 247 की ऐप। उस पर मैं इंग्लिश के डेली क्विज सॉल्व करती हूँ और मैं उस पर मैथ्स एंड रीजनिंग के भी डेली क्विज काफ़ी हद तक सॉल्व करती रही हूँ। बट रिसेंटली अभी मैंने मॉक टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैंने अभी क्विज उतने में नहीं कर रही हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट में वो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। सो इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैं इनके क्विज मैंने काफ़ी सारे सॉल्व किए हैं एंड दोज आर वेरी वेरी हेल्पफुल। वो डेली क्विज डालते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के बेसिस पे, तो आप अपने एग्जाम वाला क्विज डेली सॉल्व करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको समझ में आएगा कि इसी लेवल के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। वैसे ही क्विज वो बनाते हैं उसी के ऊपर बेस्ड। और इंग्लिश में जैसा कि वो कैब एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, बेसिकली जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो कैब वाला पार्ट होता है। वो कैब इम्प्रूव करने के लिए एक ऐप है, दैट इज़ वो कैब 24। ये वाईफाई स्टडी की एक ऐप है जिसपे वो डेली आर्टिकल्स डालते हैं। आर्टिकल्स होते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के, लाइक द हिंदू का होता है उसमें, हिंदुस्तान टाइम्स का होता है, तो इन सब न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वो उस पर शेयर करते हैं। अगर आप वो पढ़ सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, उससे आपकी वो कैब काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट इंग्लिश, राइट। देन उसके बाद मैथ्स का और रीजनिंग का, जैसे कि मैंने कहा मैंने बहुत सारे अड्डा के क्विज सॉल्व किए हैं। एक बार आपके कंसेप्ट्स रीजनिंग और मैथ्स में क्लियर हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी ज़रूरत है कुछ और करने की। आप अड्डा के ऊपर उनके डेली क्विज सॉल्व करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। बहुत सारे क्विज सॉल्व करें, बहुत सारी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीए की, जीए जो कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, जीए जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जीए से मैं बहुत डरती थी, जीए की मैं कितनी भी स्टडी कर लेती थी जीए मुझे भूल जाती थी। अभी भी मेरी जीए उतनी अच्छी नहीं हुई है, बट इट इज़ कंपैरेटिवली बेटर। अभी SBI क्लरिकल मेंस का जो जीए का एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में, बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था। मैंने उसमें 24-25 तक करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं जीए के क्वेश्चंस। दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। ऑल्दो मुझे पता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कम अटेम्प्ट होगा, बट द पेपर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरी जीए जो इम्प्रूव हुई है उसका क्रेडिट मैं दो यूट्यूब चैनल्स को देना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो है स्टूडेंट फरमाइश नाम से एक यूट्यूब चैनल है। उन सर ने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा था जिसमें वो डेली बहुत सारे जीए के क्वेश्चंस डालते थे। बेसिकली वो रिविजन के लिए डालते थे और मैं क्या करती थी, मैं उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेती थी अपनी नोटबुक के ऊपर और उनको बार बार रिवाइज करती थी। तो मैंने लास्ट ईयर जब IBPS क्लर्क मेंस दिया था तो मुझे उन सर के उन नोट्स ने बहुत हेल्प की थी। और सबसे पहले अगर मैं क्रेडिट किसी को दूंगी अपने जीए का डर ख़त्म करने के लिए तो वो स्टूडेंट फरमाइश को होगा। सेकेंडली राइट नाउ जिनके मैं करंट अफेयर्स फॉलो कर रही हूँ वो तो मैं कहती हूँ उनसे बेटर तो कुछ है ही नहीं। आशीष सर जो हैं अड्डा 247 पे, आशीष गौतम सर, अगर आप उनकी डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लगाते हैं सुबह 7 o'clock, तो नथिंग बेटर देन दैट। उनसे अच्छा टीचर आई डोंट थिंक मैंने कभी कहीं देखा है। वो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ाते हैं, चीज़ों को बार बार रिवाइज कराते हैं, स्टैटिक भी बीच में कवर करते हैं, बैंकिंग भी कवर करते हैं। अगर आप उनकी डेली मॉर्निंग क्लास लगा सकते हैं सो उनसे बेटर तो कुछ है ही नहीं। अगर आप डेली क्लास नहीं लगा सकते तो वो वीकली भी डालते हैं। उनका सैटरडे या संडे को वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आती है, आप वो देख सकते हैं। फिर वो मंथली कैप्सूल डालते हैं जिसमें वो 300 के अराउंड करंट अफेयर्स पूरे मंथ के डालते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर रिविजन। तो अगर आप उनकी डेली क्लास लगा सकते हैं तो मैं कहूँगी कि आपको जीए की टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप जैसे जैसे अड्डा 247 पे आशीष गौतम सर बताएंगे वैसा वैसा अगर आप करते जाते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर तो कुछ है ही नहीं। तो ये दो टीचर्स थे, दोनों टीचर्स का नाम ही आशीष सर हैं और मैं इनको क्रेडिट देती हूँ अपने करंट अफेयर्स का डर ख़त्म करने के लिए। और आशीष गौतम सर को मैं क्रेडिट देती हूँ कि
उनकी हेल्प से मेरी जो रिवीजन करंट अफेयर्स की हुई है बहुत अच्छे से हुई है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फ्रेंड्स। तो ये रही हमारे सारे सब्जेक्ट्स की बात, तो एक बार मैं सब कुछ रिवाइज करूँगी। इंग्लिश के लिए अड्डा 247 पे आप क्विज सॉल्व करें, और अपनी वो कैब इम्प्रूव करने के लिए वो कैब 24 ऐप का नाम है, वाईफाई स्टडी की ये ऐप है, इसको डाउनलोड करें और उस पर आर्टिकल्स रीड करें, राइट। देन नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी रीजनिंग और क्यूए की। रीजनिंग और क्यूए के लिए आप क्या करें, बहुत सारे क्विज सॉल्व करें। अगर तो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है फिर तो डेफिनेटली आप उनको डीप स्टडी दें, अदरवाइज आप उसके सिर्फ क्विज सॉल्व करें, आप अपनी सिर्फ स्पीड बढ़ाने पे ध्यान दें, दैट इज अनफ। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर्स जो कि मेंस में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि अभी जिस हिसाब से हमारे पास 10 दिन हैं, तो आप जिस भी टीचर्स के करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो आप उन्हीं के करंट अफेयर्स से डीपली रिवाइज करें, या फिर अगर आपके पास और टाइम है तो आप आशीष गौतम सर के अंडर 247 के जो मंथली 300 MCQs का वो एक PDF डालते हैं, अगर आप उसको रेफर कर सकते हैं तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। सो दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। देन आप बैंकिंग पे ध्यान दें, RBI न्यूज़ को पढ़ें, राइट। देन लास्ट थिंग फ्रेंड्स, मैं बात करूँगी मॉक टेस्ट के बारे में, मॉक टेस्ट कहाँ से परचेज करें। तो मॉक टेस्ट जो मैं परचेज करती हूँ वो भी अड्डा 247 के ही हैं। अड्डा 247 का जो मैंने SBI क्लरिकल में भी अड्डा 247 के ही मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, और मैं RBI असिस्टेंट मेंस के लिए भी अड्डा 247 के ही जो मॉक टेस्ट हैं उन्हें सॉल्व कर रही हूँ। सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि जो अड्डा 247 के करंट अफेयर्स हैं उसमें वो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर्स आ रहे हैं सारे मॉक टेस्ट में। उन्होंने टाइम टू टाइम अपने जो टेस्ट हैं उनको अपडेट किया है, जैसे कि ये एग्ज़ाम का जो मेंस है ये काफ़ी देर से पेंडिंग था, तो पहले उसमें करंट अफेयर्स पुराने थे, बट अभी ये एग्ज़ाम की जब से डेट आई है उन्होंने सारे टेस्ट को अपडेट कर दिया और उसमें लेटेस्ट MCQs आ रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।